माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे और कोविड से सुरक्षित होंगे। तो अगर आपको पता है तो मुझे नीदरलैंड आके लगभग 1 महीने हो चुके हैं और इस 1 महीने में मैंने ऐसी 10 चीज़ें डिस्कवर की हैं जो मुझे काफ़ी शॉकिंग लगा। मतलब ये सारे कल्चरल शॉक्स तो नहीं है, लेकिन ये सारे ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे देश से थोड़ी थोड़ी अलग है। तो इस वीडियो में मैं आपको वैसी 10 चीज़ें दिखाऊंगी। शॉक नंबर 1, तो जब मैं यहाँ पे आई और मैंने मेरी रूममेट से डे 1 पे पूछा कि पीने का पानी कहाँ है, तो उन्होंने मुझे बोला जो पानी यहाँ पे मैं बर्तन धोने के लिए यूज़ करती हूँ वही ये पानी लोग पीते हैं। और अपेरेंटली नीदरलैंड का टैप वाटर वर्ल्ड के वन ऑफ द मोस्ट सेफ वाटर्स में से आता है। तो वो चीज़ मेरे लिए बहुत शौक था कि आप ग्लास लेके उसी जगह का पानी यूज़ कर रहे हो जहाँ से आप बेसिन यूज़ करते हो और जहाँ पे आप बर्तन धोते हो। शॉक नंबर 2, तो इंडिया में जब हम बैंक अकाउंट खोलते हैं तो अराउंड 90% टाइम वो एक सेविंग्स अकाउंट होता है। तो जब मैं यहाँ पे अपना बैंक अकाउंट खोलने गई तो मैंने सारा प्रोसेस किया और जो मेरे पास अकाउंट आया वो एक चेकिंग अकाउंट था। तो चेकिंग अकाउंट देख के मैं शॉक हो गई। मैंने बैंक वालों को कॉल किया कि मैंने तो नॉर्मल सेविंग्स अकाउंट खोला था। तो उन्होंने बताया कि सेविंग्स अकाउंट यहाँ पे चेकिंग अकाउंट के बाद खुलता है। तो अपेरेंटली जिस अकाउंट से यहाँ पे सारे ट्रांजैक्शंस होते हैं वो सेविंग्स अकाउंट नहीं है। सेविंग्स अकाउंट आपके कस्टमर आईडी के अंदर एक पार्टीशन टाइप का होता है और जहाँ पे आप अपने करंट चेकिंग अकाउंट से पैसे सेंड कर सकते हो। उससे भी वियर्ड चीज़ क्या है, इंडिया में 90% टाइम बैंकिंग फ्री है। मतलब अगर आप पैसा अपना पैसा बैंक में रख रहे हो तो बैंक आपसे मंथली चार्जेस नहीं लेते। मे बी कुछ कुछ बैंक क्रेडिट कार्ड का लेते होंगे, लेकिन नॉर्मल अकाउंट और डेबिट कार्ड का मंथली चार्जेस ऐसे कुछ होता नहीं है। यहाँ पे सारे बैंक्स में चेकिंग अकाउंट खोलने के लिए आपको मंथली 2 यूरो तक चार्जेस करते हैं। वो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा शौक लगा क्योंकि मैंने कभी बैंक में अपने पैसे रखने के लिए बैंक वालों को पैसे नहीं दिए। तो वो चीज़ काफ़ी मुझे वियर्ड लगी कि मैं अपने पैसे रख रही हूँ तुम मुझसे ही चार्ज कर रहे हो। लेकिन ये देश ऐसा है और यहाँ कैसे रूल्स है तो हमें वही फॉलो करने पड़ेंगे। चलिए बढ़ते हैं तीसरे फैक्ट की ओर, शॉक नंबर 3। तो ये चीज़ पूरे नीदरलैंड्स पे एप्लीकेबल नहीं होते, ये आई थिंक बस एम्स्टरडम में एप्लीकेबल होगी। तो यहाँ पे मैक्सिमम लोगों को इंग्लिश आता है। तो अगर आप किसी रेस्टोरेंट में जाओ या फिर आप किसी ग्रॉसरी स्टोर में जाओ और आपको बात करनी है किसी से, तो ऐसा नहीं है, आपके लिए डच सीखना ज़रूरी ही है। यहाँ पे मैक्सिमम लोग आपसे इंग्लिश में आराम से कम्युनिकेट कर सकते हैं। और इस चीज़ का एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव एस्पेक्ट भी है। पॉजिटिव ये है कि जैसे मैं नहीं आई थी और मुझे कुछ नहीं पता था यहाँ पे कि कैसे क्या करना है, तो मैं किसी से भी पूछती हूँ मुझे आराम से इंग्लिश में रिस्पॉन्ड कर देते थे। लेकिन नेगेटिव पॉइंट ये है कि अभी जब मैं थोड़ा थोड़ा डच सीखने की कोशिश कर रही हूँ तो मुझे यहाँ पर प्रैक्टिस करने के लिए लोग नहीं मिलते, क्योंकि अभी हर किसी को अच्छे से इंग्लिश आती है और उनको जब भी पता चल जाता है आप डच नहीं हो वो आपसे इंग्लिश में ही कम्युनिकेट करना प्रेफर करते हैं। दो, ये चीज़ सारे सिटीज़ में एप्लीकेबल नहीं होती है, क्योंकि अगर आप किसी छोटे शहर में जाओ वहाँ पर ऑब्वियसली लोगों को उतना इंग्लिश का एक्सपोजर नहीं होगा। लेकिन एम्स्टरडम में इतने सारे लोग एक्सपैट्स हैं, इतने सारे लोग इतने सारे कंट्रीज से आते हैं, तो इसीलिए यहाँ पे सारे बिजनेस प्रेफर करते हैं कि वो इंग्लिश जाने और उनके यहाँ पे जो भी काम करें उनको अच्छे से इंग्लिश आती हो ताकि वो अच्छे से एक एक्सपैट से कम्युनिकेट कर सके। शॉक नंबर 4, तो अगर आप कभी नीदरलैंड्स आते हो तो सबसे पहले आप जो चीज़ नोटिस करोगे आपके वर्क लाइफ कल्चर के बारे में कि वो कितना बैलेंस और कितना फ्लेक्सिबल है। तो इंडिया में मैंने जितने भी जॉब्स किए हैं मोस्ट ऑफ द टाइम वो फुल टाइम जॉब्स थे। मतलब अगर वो पेड या अनपेड इंटर्नशिप हो या फिर वो किसी भी टाइप का जॉब हो वो हम लोग मोस्टली एक्सपेक्ट करते हैं 9 to 5 होगी, लेकिन यहाँ पर वैसा नहीं है। यहाँ पर जॉब दिन के हिसाब से नहीं घंटे के हिसाब से होता है। तो जो कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं वो 40 आवर्स, 20 आवर्स, 30 आवर्स ऐसे होते हैं और आप अपने हिसाब से कोई भी दिन चूज़ कर सकते हो और कितने भी घंटे चूज़ कर सकते हो। तो मेरे ऑफिस में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो 20 घंटे हफ्ते में काम करते हैं, तो वो 20 घंटे सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं, तो बाकी 20 घंटे वो टीचर है, कोई डांसर है। तो यहाँ पे सब ये सारी चीज़ें पैरेलल आप कर सकते हो। इंडिया में मैंने किसी को सुना नहीं कि आप अपने 9 to 5 जॉब में आधा काम कर रहे हो और बाकी आधा कहीं। फैक्ट नंबर 5, तो अगर आपको कभी कॉफ़ी पीने जाना है तो आपके दिमाग में पहला कौन सा जगह आता है, ऑब्वियसली कॉफ़ी शॉप। लेकिन यहाँ पे कॉफ़ी शॉप हो ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। यहाँ पे कॉफ़ी शॉप में कॉफ़ी के अलावा बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं जैसे कि वीड, और वीड यहाँ पे लीगल है एक मिनिमम क्वान्टिटी में। तो अगर आप कभी कॉफ़ी शॉप में जाओ और आपको दिखे वहाँ पर कोई कॉफ़ी का ऑप्शन ही नहीं है और आपको लगा ये कैसा कॉफ़ी शॉप है, तो हमेशा याद रखना वो एक्चुअल में कॉफ़ी शॉप नहीं है, वो वीड की स्टोर होती है। और यहाँ पे अलग से भी वीड का स्टोर होता है जिसको कैनबिस म्यूज़ियम या फिर
वर्ल्ड कैनबिस स्टोर ऐसे करके डायरेक्ट वो वर्ड यूज़ करके उस स्टोर का नाम लिखते हैं, लेकिन कॉफ़ी शॉप में लीगली यहाँ पे वीड मिलता है। तो वो चीज़ मुझे काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग लगी कि अरे कॉफ़ी शॉप में आप वीड कैसे बेच सकते हो, कॉफ़ी शॉप में तो कॉफ़ी बिकती होगी। मतलब मुझे लगा था वीड के लिए कोई कम्प्लीटली अलग शॉप होगी, जो कि है भी, लेकिन कॉफ़ी शॉप में मिलना वो चीज़ मुझे काफ़ी अलग और काफ़ी अजीब लगी थी। फाइनली मुझे मिल चुका है एक जगह जहाँ पे मैं अच्छे से बैठ के रिकॉर्ड कर सकती हूँ। तो अभी मैं बताऊँगी वर्ड द सिक्स शॉक, जो काफ़ी शॉकिंग और वियर्ड एट द सेम टाइम है। तो रिसेंटली मैं इनवाइटेड थी अपनी एक फ्रेंड के बर्थडे पार्टी के लिए। तो जब मेरी फ्रेंड ने केक काटा तो रूम में जितने लोग थे सब ने एक दूसरे को हैप्पी बर्थडे बोला, और जब पहले पर्सन ने दूसरे पर्सन का हैप्पी बर्थडे बोला मुझे लगा ओके फिर माई डोंट कोइंसिडेंट कि तीन लोगों का बर्थडे सेम डे पे आता है, लेकिन फिर सब मुझे भी आके हैप्पी बर्थडे बोलने लगे। तो अगर आप किसी शादी में जाओ या फिर किसी बर्थडे में जाओ या फिर कोई भी अच्छी चीज़ में जाओ और अगर आप उस वेन्यू में प्रेजेंट हो तो वहाँ पे जितने भी लोग हैं वो सब आपको आके भी कॉन्ग्रेचुलेट करेंगे। तो ये चीज़ मुझे काफ़ी प्यारी और काफ़ी शॉकिंग लगा, क्योंकि इंडिया में तो ऐसा कभी होया नहीं है कि किसी और का बर्थडे हो लोग आके मुझे विश करें। चलिए ढूंढते हैं सेवंथ स्पॉट जहाँ मैं आपको सातवें फैक्ट के बारे में बता सकती हूँ। सेवंथ फैक्ट, और ये है पेट्रोल पंप के बारे में। तो आपको लग रहा होगा पेट्रोल पंप में क्या शौक हो सकता है, पेट्रोल तो सेम ही है, ये तो गाड़ी में पानी डाल के चलाते नहीं है। तो अलग चीज़ ये है कि इनके पेट्रोल पंप में कोई अटेंडेंट नहीं होता। तो इंडिया में आप किसी भी पेट्रोल पंप पे चले जाओ आपको वहाँ पे कोई ना कोई मिलेगा जो आपके गाड़ी में पेट्रोल डाल दे और जो आपसे कैश ले। यहाँ पे वो चीज़ नहीं है, आपको खुद ही से खुद का पेट्रोल डालना होता है और फिर शायद टिकट जो रिसिप्ट आएगा उसको अंदर जाके किसी को पे करना होता है, या फिर वहीं पे आप क्रेडिट कार्ड पे स्वाइप करके पे कर सकते हो। मुझे जो चीज़ काफ़ी वियर्ड लगी कि कोई भी तो आके पेट्रोल भरा के बिना कार्ड दे के चला जाएगा, मतलब लोग जा सकते हैं राइट, जगह तो खुली है पेट्रोल लो और पेमेंट मत करो चले जाओ। लेकिन फिर मुझे पता चला यहाँ पे हर चीज़ें इतनी ज़्यादा कैमरा से भरा हुआ है कि आप यहाँ पे कुछ कर ही नहीं सकते। अगर आपने ऐसा किया भी तो तुरंत वो प्राइस और उसके साथ एक अच्छा खासा फाइन आपके एड्रेस पे आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सारी चीज़ें से कनेक्टेड होती है। आपका सोशल सिक्योरिटी नंबर, आपका बीएसएन, आपका हाउस एड्रेस, आपके हेल्थ इंश्योरेंस, अब बैंक अकाउंट, सारी चीज़ें कनेक्टेड हैं। तो छोड़ के भागने का और फिर और बच निकले का कोई रास्ता तो है नहीं। तो अगर आप इस देश में कहीं पे भी जाओगे तो 90% चांस है कि आपको एक साइकिल लेन और आपको एक अच्छा फुटपाथ दिख जाए, और हर साइकिल लेन और हर फुटपाथ के एंड पे यहाँ पर सिग्नल भी होता है जो आपको बताएगा कि यहाँ भी आप चल सकते हो कि नहीं। लेकिन मैंने कभी देखा नहीं था इंसान जो रास्ते पे चल रहा हो उसके लिए ट्रैफिक सिग्नल होना। मोस्टली मुझे लगता था ट्रैफिक सिग्नल तो बस कार्स के लिए होती है या फिर बाइक्स के लिए होती है, लेकिन यहाँ पे साइकिल और इंसानों के लिए भी ट्रैफिक सिग्नल्स है। तो वो चीज़ मुझे काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग और काफ़ी वियर्ड लगा। और यहाँ पे आप वो सिग्नल को प्रेस भी करके एक्टिवेट कर सकते हो, मतलब अगर आप जा रहे हो और कार जा रहे हैं तो आपको सिग्नल पे जाके एक बटन है उस बटन को प्रेस करना होता है और फिर वहाँ का ट्रैफिक लाइट जो है वो पेडेस्ट्रियन के लिए खुल जाएगा। तो नाइन्थ चीज़ जो मुझे सबसे ज़्यादा शॉकिंग लगी वो है यहाँ का वेदर। तो अगर आप किसी भी ट्रॉपिकल कंट्री से आते हो तो आपको आदत होगी कि शाम के 6-7 बजे सूरज गिरे, 7 के बाद अंधेरा हो, लेकिन यहाँ पे 4:30 को अंधेरा हो जाता है और 4 बजे ही शाम हो जाती है। तो वो मुझे काफ़ी ज़्यादा अजीब लगता है कि इतनी जल्दी मेरे दिन ख़त्म हो जा रहे हैं। इसीलिए यहाँ पर डे लाइट सेविंग भी होता है। और एक चीज़ जो है यहाँ पर हर टाइम वेदर चेंज होता रहता है। तो आज सुबह जब मैं उठी तो पूरे टाइम बारिश हो रही थी, वैसे यहाँ पे झमझम करके बारिश नहीं होता, यहाँ पे हमेशा कंटिन्यूस ड्रिजलिंग होता है।
फिर 12 बजे के आसपास कड़कड़ाती धूप हो गई, तो फोन देख के फिर मैं वीडियो बनाने निकल गई। तो यहाँ पे वेदर का कोई भरोसा नहीं है और आपको हमेशा अपने साथ एक वेदर ऐप चेक करके रहना पड़ता है पता करने के लिए कब बारिश होगी कि नहीं। तो बारिश तो यहाँ पे हमेशा होती ही है, तो हम बस यही चेक करते हैं कि कितनी ज़्यादा बारिश होगी। तो यहाँ पे आने के बाद मैं 3 लोगों के घर पे इनवाइटेड थी और तीनों कम्प्लीटली डिफरेंट नेशनलिटी, डिफरेंट एरिया पे एम्स्टरडैम में रहते थे। और जो सबसे कॉमन चीज़ मुझे उन तीनों घरों के बारे में लगी कि घुसते ही टॉयलेट। तो जब आप घर में एंटर करते हो तो पहला जो चीज़ है वो ही यहाँ पर टॉयलेट होता है। तो वो इंडिया में मैंने नहीं देखा, क्योंकि हमारे वहाँ पे घर में घुसते सबसे पहले हॉल होता है, मतलब लिविंग रूम होती है, उसके बाद टॉयलेट, किचन, बेडरूम अटैच होते हैं। लेकिन यहाँ पे डोर खुलते ही हॉल पे होता है, जो कि लिविंग रूम नहीं है, जो कि बस पैसेज है, और इस पैसेज से टॉयलेट लगा होता है। तो ये ऐसा हो सकता है कि मैं जिस 3 घरों में गई हूँ वो 3 घर सेम टाइम में बने हों, तो इसीलिए वहाँ पे एंट्री वे में टॉयलेट था। और यहाँ के टॉयलेट के डिज़ाइंस भी कभी कभी अलग होते हैं, तो मैं यहाँ पे एक फ़ोटो इंसर्ट कर दूँगी। तो ये जो टॉयलेट है इसका जो होल है वो पीछे नहीं है, आगे है। तो आप जो भी करते हो वो एक प्लेटफॉर्म में सेट होता है और जब फ्लश करते हो वो आगे जाता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा मुझे अजीब लगा जब मैंने पहली बार देखा। मतलब मुझे तो पहली बार देखी यही नहीं समझ में आया इसमें टर्न होके बैठते हैं कि सीधे होके। तो आज का ये वीडियो मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। और इन 10 शॉक्स में से आपको सबसे ज़्यादा कौन सी चीज़ शॉकिंग लगी वो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। हैप्पी हॉलीडेज, मेरी क्रिसमस और आप सबको न्यू ईयर की बहुत सारी शुभकामनाएँ। अच्छे रहिए और कोविड से सुरक्षित रहिए। बाय।